हेलो एवरीवन, आज हम एकदम नया काम करने वाले हैं। आपको खूब मजा आने वाला है। इस सेशन में एक क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड। आप लोगों को पता है डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड ये किससे बनते हैं? तो ये अमीनो एसिड से बनते हैं। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, एक डेकापेप्टाइड आपको गिवन है, इसका मोलिकुलर मास है 796 ग्राम। इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये तीन अमीनो एसिड यूनिट जनरेट करता है, ग्लाइसिन, एलेनिन और फिनाइल एलेनिन। हाइड्रोलिसिस के बाद जो टोटल प्रोडक्ट है उसका 47% होता है ग्लाइसिन। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट। देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, डेकापेप्टाइड मोलिकुलर मास 796 ग्राम ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लाइसिन एलेनिन एंड फिनाइल एलेनिन। ग्लाइसिन इज 47% ऑफ द टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स प्रेजेंट इन डेकापेप्टाइड। तो एक डेकापेप्टाइड आपको दिया है, उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है। कितना गिवन है मॉलिक्यूलर मास डेकापेप्टाइड का? 796 ग्राम। उस डेकापेप्टाइड में तीन टाइप के अमीनो एसिड है, कौन कौन से? ग्लाइसिन एलेनिन और फिनाइल एलेनिन। ये भी आपको दिया है कि हाइड्रोलिसिस के बाद जब इस डेकापेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे टोटल प्रोडक्ट उसका 47% है ग्लाइसिन। तो आपसे पूछा है डेकापेप्टाइड में टोटल ग्लाइसिन के कितने यूनिट्स प्रेजेंट है। डेकापेप्टाइड मतलब टोटल 10 यूनिट्स हैं, उसमें से कितने ग्लाइसिन के यूनिट हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है डेकापेप्टाइड का, कितना दिया है? 796 ग्राम। अब हमें ये बताइए कि डेकापेप्टाइड का यदि अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी? चलो, नहीं समझ में आ रहा है इसको आसान करते हैं। मान लीजिए कोई डाइपेप्टाइड आपको दिया और उसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो डाइपेप्टाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे आपको दो मोनोपेप्टाइड मतलब दो अमीनो एसिड यूनिट मिलेंगे। डाइपेप्टाइड के हाइड्रोलिसिस से दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है? 1 वाटर मॉलिक्यूल। मान लीजिए ट्राइपेप्टाइड आपको दिया है, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ट्राइपेप्टाइड से तीन अमीनो एसिड मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल कितने लगेंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। टेट्रापेप्टाइड है मतलब वो 4 अमीनो एसिड से बना है, टेट्रापेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे? तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही अब आप सोचिए कि डेकापेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे? डाइपेप्टाइड के लिए 1 लग रहा है, ट्राइपेप्टाइड के लिए 2 लग रहे हैं, टेट्रापेप्टाइड के लिए 3 लग रहे हैं, तो डेकापेप्टाइड के लिए कितने लगेंगे? एक कम कर दीजिए 10 में से, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे। तो डेकापेप्टाइड प्लस 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको मिलेगा ग्लाइसिन एलेनिन और फिनाइल एलेनिन। समझ में आया? अब आप बताइए टोटल अमीनो एसिड का वेट क्या होगा हाइड्रोलिसिस के बाद, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, डेकापेप्टाइड का वेट कितना है? 796 ग्राम, ये गिवन है क्वेश्चन। प्लस हाइड्रोलिसिस के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं? 9। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18। तो 796 डेकापेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट है, 9 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, मतलब 18 इंटू 9 करेंगे तो 162 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट। 796 प्लस वाटर, 162 का वेट ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 958 ग्राम। समझ में आया? ये टोटल वेट है अमीनो एसिड का आफ्टर हाइड्रोलिसिस। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, जो ग्लाइसिन है वो इस टोटल वेट का 47%। तो 958 टोटल वेट है, इसका 47%, मतलब 958 का 47% जो है वो
ग्लाइसिन है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 450 ग्राम। तो 958 टोटल वेट है, उसका 47% ग्लाइसिन है, तो 958 का 47% कर दिया, ये आया 450 ग्राम। तो अब आपके पास ग्लाइसिन का टोटल वेट है, अब आपको ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड, एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक कार्बन से जुड़े हैं, अल्फा अमीनो एसिड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो जाएगा, दो कार्बन है C2, दो ऑक्सीजन है O2, एक नाइट्रोजन है और 5 हाइड्रोजन है, दो यहाँ एक यहाँ, तो C2O2NH5। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, दो कार्बन है तो 24 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन है 32 ग्राम, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 और 5 हाइड्रोजन है तो 5 ग्राम, तो 24 प्लस 32 प्लस 14 प्लस 5 ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 75 ग्राम। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया ग्लाइसिन। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स, टोटल कितने ग्लाइसिन यूनिट्स हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वेट लेंगे ग्लाइसिन का जो उस डेकापेप्टाइड से मिल रहा है, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ वन ग्लाइसिन यानी मॉलिक्यूलर वेट। तो टोटल वेट है ग्लाइसिन का 450, एक मॉलिक्यूल का वेट है 75, 450 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे तो याद रहेंगे 6 ग्लाइसिन यूनिट्स। मजा आया ना क्वेश्चन करने में। फिर से देखिए, आपको एक डेकापेप्टाइड दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है 796, तीन अमीनो एसिड से वो मिलके बनाया ग्लाइसिन एलेनिन फिनाइल एलेनिन। ग्लाइसिन टोटल जो वेट है हाइड्रोलिसिस के बाद जो टोटल प्रोडक्ट बन रहा है उसका वेट है 47% ग्लाइसिन है उसमें। आपसे क्या पूछा है, हाइड्रोलिसिस के बाद जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें कितने ग्लाइसिन यूनिट्स हैं। तो आपको जो दिया है पहले वो अपन ने लिखा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेकापेप्टाइड 796 ग्राम, कितने वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं हाइड्रोलिसिस के लिए हमने पूरा समझा दिया, 9 वाटर मॉलिक्यूल। तो डेकापेप्टाइड प्लस 9 वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोलिसिस होके ये तीन अमीनो एसिड मिलेंगे, अलग अलग नंबर में मिलेंगे, ग्लाइसिन एलेनिन और फिनाइल एलेनिन। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया टोटल वेट ऑफ अमीनो एसिड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, कैसे किया, 796 ग्राम डेकापेप्टाइड का मास है प्लस 18 वाटर मॉलिक्यूल का, 9 वाटर मॉलिक्यूल लग रहा है, टोटल 162 ग्राम लग रहा है वाटर का, तो 796 प्लस 162 ये आया 958 ग्राम, ये टोटल वेट आया हाइड्रोलिसिस के बाद सारे अमीनो एसिड का मिलकर। उसमें ग्लाइसिन कितने परसेंट है, 47% है, तो 958 का 47% कर दिया, ये आया 450 ग्राम। एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 75 ग्राम, तो टोटल ग्लाइसिन का वेट है 450, उसको ग्लाइसिन के एक मॉलिक्यूल के वेट से डिवाइड कर दिया, यानी 450 डिवाइडेड बाय 75, तो ये आ गया नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट, कितना आया आंसर 6। समझ में आया, मजा आया सभी को, लव यू ऑल, टेक केयर।